हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML का पार्ट 7 कर रहे हैं, जिसमें हम br टैग, बीजी कलर एवं सेंटर टैग के बारे में सीखेंगे। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड खोलते हैं। और अब इसमें हम HTML लिखते हैं, फिर बॉडी, और फिर बॉडी को बंद कर देते हैं। अब हम इसके अंदर br टैग, बीजी कलर एवं सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बीजी कलर का यूज़ करते हैं। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। तो अगर हम इसमें सिंपली लिखते हैं, जैसे कि हेलो, वेलकम, अगर हम इसे सेव करते हैं तो अगर हम इसे सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं, इसे हमने सिंपली सेव किया तो इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर वाइट ही है। और जैसे हम इसमें बीजी कलर का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम बॉडी में यहाँ पे बीजी कलर लिखेंगे और इक्वल टू जो हमें कलर देना है वो हम इसके अंदर लिख देंगे। जैसे कि हमें इसके अंदर रेड कलर देना है तो हमने यहाँ पे रेड लिख दिया और इसे हम सेव कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करके ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो पेज है इसका कलर, इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो इस तरह हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे येलो, जैसे मैंने इसका कलर यहाँ पे येलो कर दिया, अब हम इसे यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं। इस तरह HTML में बीजी कलर का यूज़ करके हम जो हमारा पेज है उसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम अब br टैग का यूज़ करते हैं। यदि हम हेलो और वेलकम को अलग अलग लाइन में लिखना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम अगर इसका आउटपुट देखें तो ये हेलो और वेलकम दोनों एक ही लाइन में है। यदि हम इसे लाइन बाय लाइन मतलब दूसरी लाइन में करना चाहें तो उसके लिए br टैग यूज़ होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे br टैग यूज़ करूँगा तो जो वेलकम होगा वो सेकेंड लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। इस तरह हम HTML में br टैग का यूज़ करते हैं। br टैग का मतलब ब्रेक द लाइन, मतलब ये लाइन को ब्रेक कर रहा है। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल इसका देखें तो हमने यहाँ पे हेडिंग दिया, अगर हम इसको सेव करते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह आएगा। यहाँ हमने
वेलकम के नीचे हेडिंग को लिखा, जबकि आउटपुट में हमारा उसी लाइन में आ रहा है। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए हम बी आर टैग का यूज़ करते हैं। यदि मैं यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ करता हूँ तो जो हमारी जो मैंने हेडिंग वर्ड लिखा है ये हमारा वेलकम से नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए जो हमने हेडिंग लिखा था वो वेलकम से नीचे आ गया, यानी यहाँ पे लाइन ब्रेक होगी। यदि मैं यहाँ पर दूसरी बार बी आर टैग का यूज़ करता हूँ तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। और यहाँ से कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ यहाँ, और यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लाइन ब्रेक होगी। तो जितना ही हम बी आर टैग का यूज़ करेंगे उतनी हमारी लाइन ब्रेक होती जाएगी। तो इस तरह एच टी एम एल में बी आर टैग का यूज़ किया जाता है। और जो हमारा तीसरा टैग है वो है सेंटर टैग। तो सेंटर टैग का यूज़ हम किस तरह करते हैं, यदि हमें हेडिंग सेंटर में चाहिए तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सेंटर लिखते हैं। और अब हम यहाँ इसको सेंटर को बंद कर देते हैं और अब हम इसे सेव कर देते हैं। और अब आउटपुट देखते हैं। ये देखिए जो हमें हेडिंग लिखी थी वो हमारी सेंटर में आ गई। तो इस तरह HTML में सेंटर टैग का यूज़ किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।